हेलो गाइस, मुझे लगता है आज आप सारे ही वीडियो का इंतजार कर रहे हो कि कब से वीडियो आए और हम देखें। तो सॉरी, तो दोस्तों आपकी वीडियो आ गई है और वो भी इसी स्लीव की जो मैंने इस वीडियो में डाली हुई है, क्योंकि आपने कमेंट में बहुत बार मांगा था कि मैं इसकी वीडियो आपको दिखाऊं। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसान से तरीके में इस वीडियो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है, आप ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। और कुछ और भी आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितिंसा। गाइज, आज मैं आपको बहुत ही जल्दी बनने वाला स्लीव डिजाइन बताऊंगी जो कि बहुत ही सुंदर भी लगता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने इसकी जो लेंथ रखनी है वो 14 इंच की तैयार रखनी है, तो मैंने 16 इंच पर निशान लगाया। ये मुझे लेस नहीं चाहिए तो इसको भी मैं हटा दूंगी यहाँ से। तो जो 6 इंच की इनकी मोहरी है और 1.5 या 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि मेरे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा ही है, बाद में हम कट कर देंगे। ये सीधी लाइन मैंने ड्रॉ की, इसमें सीधी सी बात है दोस्तों, जो हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं एक बार वो हमने कट कर लेनी है। इसमें हल्का हा डिफरेंट है कि ये होएगा, जैसे कि जहां हम छाती का फोर्थ हिस्सा इनके चेस्ट का फोर्थ हिस्सा हम लेते हैं उसमें हमने 1 इंच और प्लस करना है, इनके जो हम नॉर्मल स्लीव कटिंग करते हैं उसमें हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा प्लस रखना है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो जैसे कि हमने यहां से इतना एक्स्ट्रा ले लिया है एक बार, क्योंकि हमें इसमें आगे से ज्वाइंट लगाना है, अलग से फोल्ड करना है डिजाइन। तो आपको सीधी सी बात समझ लेनी है कि आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें लेना है जो नॉर्मल स्लीव है उससे। एक बार मैं इसको कट कर लेती हूँ, यहां से मैंने इसको कट किया। ये मैंने सिंपल स्लीव जो कट करते हैं वैसे ही इसको कट कर लिया है। अब हम इसमें से एक स्लीव इस तरह से निकालेंगे, आप दोनों को एक साथ भी कट कर सकते हो, बट मैं पहले एक स्लीव पर ही आपको बता रही हूं। सेंटर है, हमने इसको अच्छे से कट कर लेना है। ये मैंने सेंटर से इसको कट कर लिया है, तो ये देखिए, जैसे कि मैंने सेंटर से इसको कट किया। अब हमने क्या करना है, इस स्लीव को इस तरह से पकड़ना है दोनों को, जैसे कि सेंटर से हमने दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए हैं, इसको ऐसे और ऐसे डबल बार फोल्ड करेंगे यहां से ऐसे। तो हमने दोनों को एक बार अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इनको इस तरह से फोल्ड कर लिया है ऐसे, ये इसका अपोजिट हिस्सा है, दोनों तरफ से इनको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब हम नीचे से भी इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे ही, यहां से लेकर के यहां तक पूरे पर मैंने ऐसे सिलाई लगा देनी है जैसे कि यहां पर लगाई है। एक बार मैं सिलाई लगा लेती हूँ, ये देखिए, जैसे कि मैंने नीचे से भी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने दोस्तों इसके ऊपर बटन लगाने हैं, यहां से हमने बटन अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आप लगाना चाहो उतने लगा सकते हो। मैंने इस पर 3 बटन इस तरह से ऐसे लगा देने हैं। तो एक बार ये बटन लगा करके पूरी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस स्लीव का फाइनल लुक है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेगी जब इसको आप डालोगे। तो दोस्तों आपको ये स्लीव कैसी लगी, और बहुत ही ये जल्दी बनके तैयार हुई है दोस्तों, आपने जैसे भी देखा इसको, और ये बहुत ही सुंदर भी लगती है, मुझे तो बहुत सुंदर लगती है दोस्तों, और बहुत जल्दी तैयार होती है। आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।